हरे हरे हेलो राम, हाँ हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें चाहिए कि इस जीवन में भगवान ने हमारे मनुष्य जन्म दिया है, तो कहना है कि आए थे हरि भजन को, मीठे लागो दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तात्पर्य कि हम तो माँ के गर्भ में जब रहते हैं, वो नर्क में जब हम रहते हैं, तो हम सदैव भगवान के नाम का स्मरण करते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो और मैं आकर के इस धरातल पे आकर के मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही यहाँ माया के प्रभाव से मैं सुख का आनंद प्राप्त करता हूँ, वैसे ही मैं सारे चीज भूल जाता हूँ। तभी हमें इस चीज का ज्ञान नहीं होता है कि मैं भगवान से क्या कमिटमेंट करके आया हूँ, और इसके कारण जो है हम ये भोग करने लगते हैं, और भोग करने के कारण हम सारे चीज तो अपना लेते हैं जीवन में, लेकिन भगवान का नाम नहीं अपना पाते हैं, भगवान का सत नहीं अपना पाते, जिसके कारण हम ये दुख भोगते हैं और हमारे जीवन में ये समस्या है। ये संसार में सभी जीवों के साथ यही समस्या है कि हम अपने आप को सत्य मार्ग पर नहीं चलना चाहते, सत्य को नहीं समझना चाहते हैं, क्योंकि सत शुद्ध रत सत्संगी पाई। संग हमारी ऐसी होती है, असत लोगों के संग होता है, जिसके कारण हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, और संग के कारण हम दुविधा में पड़ जाते हैं, हमें परेशानी होती है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि जब भी समय मिले भगवान के धाम में जाना चाहिए, भगवान के भक्तों की संग करनी चाहिए, शुद्ध भक्तों की संग करनी चाहिए, जिससे हमारे धन का कभी विनाश ना हो। यदि हम भगवान का नाम का ध्यान करते हैं, सतमार्ग पे चलते हैं, तो हम जो भी अपने मेहनत से कमाते हैं, उसमें जो भी चीज हमारी काम हम करेंगे, उसकी बरकत होगी, उसकी हमारे जीवन में कभी अपशगुन नहीं होगा। इसीलिए हमें कभी भी भगवान का नाम का आश्रय लेके ही कर्म करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने महाभारत में अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम यदि देना ही चाहते हो तो अपनी मन को मुझे में लगा दो, और तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के नाते तुम कर्म करो। मन मना मन भक्तो मोद लोक जीव सनातन। ये जो मन जो है ना, बहुत चंचल है, इसीलिए हे अर्जुन, तुम अपने मन को मेरे में लगा दो और अपनी कर्म करो, और कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, लाभ हानि का इच्छा मत करो, जीत हार का इच्छा मत करो, ये सब हमारे ऊपर छोड़ दो। ये ठाकुर जी खुद स्वयं कह रहे हैं कि मेरे हाथ में छोड़ दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो रामो राम हरे हरे। तो है कि जब भगवान का नाम लेने के लिए हमें शुद्ध भक्तों की जरूरत है, और जब तक हमारे भोजन नहीं शुद्ध होगा, तब तक हमारा मन शुद्ध नहीं हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले कहा गया है कि हम भोजन शुद्ध खाएं, जैसे खाए अन्न ऐसे हुए मन। इसलिए हमें भोजन जो है करना चाहिए। वाचो वेगम मांसा वेगम इंद्रिय वेगम सर्व से वेगम संसारम शिष्यो योगम सर्व। हमें चाहिए कि पहले किसी प्रकार की जो है नशा नहीं करना चाहिए, जिसमें चाय कॉफी भी वर्जित है। दूसरा है किसी प्रकार की मांसाहार नहीं करना चाहिए, जिसमें प्याज लहसुन भी वर्जित है। तीसरा है किसी तरह प्राय स्त्री संग नहीं करना चाहिए, और चौथा है कि जुआ गेम्स वगैरह नहीं करना चाहिए। जब ये चार आपके जीवन में नहीं होगा, तभी आप शुद्ध हो सकते हैं, तभी आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, तभी आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जय जय श्री जय राधे श्री श्याम। राधे। तो दोस्तों, आज हमें ये पंडित जी मिले, मैं एक ओला कैब चलाता हूँ ना, तो आज इनके साथ हमारी ट्रिप हुई है। तो आज इन्होंने हमको बहुत अच्छी सी चीज़ें बातें बताई, ताकि लोग गौर कर सकें, हम सब लोग इन चीज़ों पर चल सकें। खाना पीना अपना अच्छा रखना चाहिए, अच्छे व्यवहार करने चाहिए, अच्छी सी बातें करनी चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए सब लोगों को। तो दोस्तों, जय श्री श्याम बाबा की जय। मैं तो यही कहूँगा, जैसा जैसा पंडित जी ने बताया उस तरीके से चलना चाहिए। और दोस्तों, इस विकास पुंडीर को थोड़ा सा प्यार दो, आपका छोटा भाई।
अभी अभी स्टार्ट कर रहा है, कुछ आता जाता तो है नहीं ज़्यादा, मगर जो भी जैसा भी आ रहा है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना, जैसे भी है। तो आज हमें ये सर जी मिले, इनके साथ हमारी राइड हुई है, तो हम अब इनको ड्रॉप कर रहे थे, तो उन्होंने थोड़ा सा रास्ते में बीच में ही थोड़े से हमें अच्छी सी बातें बताई। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो मैं आज इतनी पोस्ट करता हूँ, कल मैं ओला के बारे में आपको बताऊँगा कैसे कैसे क्या क्या राइड होती है, कैसे है, मैं ओला के बारे में आपको बताऊँगा। ओला में अच्छे से अच्छे कस्टमर मिलते हैं। अब देखो पंडित जी हमको मिले हैं, कितना बढ़िया लगा, कितनी अच्छी चीज़ें बातें बताई इन्होंने हमें। तो ऐसे ही है सब, ओला के एक ऐप जो चल रहा है आप जानते होंगे आप सभी लोग, बहुत अच्छा है, अच्छे से राइडें मिलती हैं, अच्छे से डील करते हैं, इनको पिकअप करके ड्रॉप करना, ये सब करना, आपको आसानी से घर सेफ्टी से पहुंचाना। तो मैं ये गाड़ी ओला की चलाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो जैसा भी है वैसा समझो आप। बाकी पंडित जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे।